वेलकम टू परचम क्लासेज़ एम भूमिका प्रजापति सो एज यू ऑल नो हमारी एम सी क्यू सीरीज़ चल रही है एंड इस सीरीज़ में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मुग़ल एम्पायर पर ठीक है हम ऑलरेडी मुग़ल एम्पायर पर दो लेक्चर्स ले चुके हैं ये मुग़ल एम्पायर पर पार्ट थ्री है राइट right? इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग जहांगीर शाहजहां एंड औरंगजेब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें करेंगे ठीक है सो मेक श्योर इस लेक्चर को आप लोग एंड तक देखें बिकॉज इस लेक्चर में आप लोगों को मिलने वाला है डिस्काउंट कोड राइट सो लेक्चर को एंड तक जरूर देखें सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इंट्रोड्यूस दो अस्पा एंड सी एसपा सिस्टम ठीक है दो अस््पा एंड सी एसपा प्रणाली को किसने शुरू करा था ये पूछा गया है एक्चुअली ये जो सिस्टम था इट वॉज़ अ मॉडिफाइड सिस्टम ठीक है किसका जो मनसबदारी सिस्टम जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था हमने लास्ट लेक्चर में समझा है कि मनसबदारी मतलब क्या होता है इसमें क्या होता है कि रैंक्स दी जाती है राइट right? तो ये जो रैंक देने की जो सिस्टम शुरू की गई थी उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन था जिसे दू अस्पा एंड सी असपा कहा जाता है राइट right? इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था जहांगीर ने क्लियर तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू दैट इज जहांगीर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मुग़ल मनसबदारी सिस्टम ठीक है ऑलरेडी हम लोग मनसबदारी का मतलब समझ चुके हैं ठीक है इस सिस्टम के बारे में लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब इसमें कहा गया है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से हमें जो सही स्टेटमेंट है उसे क्या करना है सिलेक्ट करना है राइट तो हम लोग स्टार्ट करते हैं

मनसबदारी वंशानुगत अधिकारी थे तो क्या ये लोग वंशानुगत अधिकारी थे क्या ये लोग हेरिडिटरी ऑफिसर्स थे नहीं मैंने कल ही आपको बताया था कि ये जो ऑफिसर्स थे ये हेरिडिटरी नहीं थे ठीक है अगर किसी को कोई रैंक लेनी हो ठीक है कोई भी पोस्ट पर आना हो तो उनको स्टार्टिंग से एबीसीडी करनी पड़ती थी डायरेक्ट जो है उनको उनकी फादर की पोस्ट नहीं मिलती थी तो इन शॉर्ट हेरिडिटरी ऑफिसर्स ये लोग नहीं थे तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाता है गलत हो जाता है तो अब इसी से हम लोग थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं ठीक है जैसे कि इसमें सेकेंड स्टेटमेंट है तो ऑप्शन नंबर वन ऐसे ही हट गया ठीक है इसमें भी सेकेंड स्टेटमेंट है तो ऑप्शन नंबर बी भी हट गया ठीक है अब नन तो होगा नहीं बचा क्या ऑप्शन नंबर सी बिकॉज एक तो सही है हमें पता है राइट right? तो बचा क्या ऑप्शन नंबर सी राइट तो डायरेक्टली हमें पता चल गया कि हाँ फर्स्ट और थर्ड क्या है सही है, और इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसके अलावा दे वर थ्री कैटेगरीज ऑफ मनसबदार्स ठीक है मनसबदार्स का ना क्लासिफिकेशन किया जाता था राइट और इसके क्लासिफिकेशन ना तीन कैटेगरीज में बेसिकली इसको डिवाइड कर रखा था ठीक है तो ये पॉइंट भी क्या है सही है फिर कहा गया है कि दे वर पेड सैलरीज बाय दीवान ऑफिस उन्हें दीवान के कार्यालय द्वारा वेतन का भुगतान किया जाता था ठीक है तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत है उनको दीवान के ऑफिस से सैलरीज नहीं मिलती थी राइट right? तो क्या हो गया है यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज वन एंड थ्री अब हम देख लें कि वो तीन कैटेगरीज क्या थी या ये जो मनसबदार होते थे इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता था तो जितने भी ऑफिसर्स होते थे ना जिनकी रैंक 500 मनसब से कम होती थी उन्हें क्या कहा जाता था मनसबदार पहला क्लासिफिकेशन ठीक है जितने भी ऑफिसर्स ये ये क्लासिफिकेशन क्या था ये मनसबदार या ये रैंकिंग दी किसमें जा रही थी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक है सो जितने भी ऑफिसर्स हुआ करते थे जिनकी रैंक 500 सौ मनसब से कम होती थी उनको मनसबदार कहा जाता था ठीक है फिर वो ऑफिसर्स जिनकी रैंक या जिनका मनसब जो है वो 500 से 2500 होता था उन्हें आमिर कहा जाता था राइट एंड दोज ऑफिसर्स रैंक्ड ओवर 2,500 उन्हें आमिर ए आज़म कहा जाता था ठीक है तो इस तरीके से तीन मेन क्लासिफिकेशंस थे इन मनसबदार के राइट right? तो ये तीनों भी आप लोग याद रखना क्या मैंने कहा कि वो ऑफिसर्स जिनकी रैंक 500 से कम है उन्हें मनसबदार कहा गया जिनकी रैंक 500 से 2500 है उन्हें आमिर कहा गया और जिनकी 2500 से ज़्यादा है उन्हें आमिर ए आज़म कहा गया ठीक है इतनी चीजें आप लोग याद रखना आगे बढ़ते हैं हम लोग दैट इज क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन इन रीन द ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ साइंड बिटवीन मुगल एंड राणा ऑफ मेवाड़ ठीक है मुगल और मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि जो है हुई थी ये किसके शासन काल में हुई थी ये पूछा गया है तो ये जो ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ है ये हुई थी जहांगीर के टाइम पर ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जहांगीर के टाइम मतलब ऑप्शन नंबर टू सो हुआ यूं है कि 16, की बात है जब ये ट्री ऑफ चित्तौर बेसिकली साइन की गई थी राइट यहाँ पे जहांगीर का जो एम था ना वो ये था कि पूरे एंटायर जो कंट्री ना वो उसे कॉन्केस्ट करना चाहता था ठीक है वो पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलज्म ही फॉलो करता था जैसे कि उनके फादर फॉलो किया करते थे तो इसके तहत ना उन्होंने 1605 में उनका जो बेटा है उसे भेजा था जाकर एक्चुअली वो चित्तौड़ फोर्ट को क्या करना चाहता था कॉनकर करना चाहता था बट चित्तौड़ जो है उसे कॉनकर करना ईजी नहीं था ठीक है बिकॉज जो रूलर थे उस समय जिनका नाम है राणा अमर सिंह उन्होंने काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी इनके साथ जब भी इनके बीच में बैटल हुआ है ठीक है सो बार बार जो है जहांगीर ने कोशिश करी थी चित्तौड़ को कॉन्कर करने के लिए या उसको उस पर कब्जा करने के लिए फाइनली जो है 1608 में एम्प्रर ने फाइनली अपना एक फोर्स भेजा और इवेंचुअली जो है एक पीस ट्रीटी साइन की गई थी 1615 में दैट वाज ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ राइट तो क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू दैट इज ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ जो कि किसके बीच में हुई थी तो जहांगीर एंड राणा ऑफ मेवाड़ के बीच में हुई थी ठीक है दैट इज अमर सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर हु ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंट फर्स्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन कोर्ट ऑफ जहांगीर ठीक है निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में भेजा था राइट तो 1609 में विलियम हॉकिंग्स जो है उनको जहांगीर के कोर्ट में भेजा गया था सो ही वाज़ अ फर्स्ट इंग्लिश मैन जो कि मुगल कोर्ट में आए थे और किसके रीन में आए थे तो जहांगीर के टाइम पर आए थे कब आए थे तो 1609 में आए थे सो व्हाट हैपन विलियम हॉकिंस पहले इंग्लिश मैन थे ठीक है जहांगीर के कोर्ट में आए अब जहांगीर से जब वो जाके मिले तो भैया वो तो टर्किश में जहांगीर से बात करने लगे जहांगीर तो यहीं पर इम्प्रेस हो गया अरे गोरा इंसान मुझसे टर्किश मेरी अपनी लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहा है राइट इससे इम्प्रेस होकर जहांगीर ने हॉकिंस जो है विलियम हॉकिंस उनको इंग्लिश खान जो है ये टाइटल भी दिया था ये वाला पॉइंट भी आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे तो इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विलियम हॉकिंस को ठीक है इंग्लिश खान टाइटल किसने दिया था तो वो दिया था जहांगीर ने ठीक है अब ये विलियम हॉकिंस जो है ये आए क्यों थे मुगल कोर्ट में ठीक है उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था कि भैया तू जा फॉर्मल परमिशन लेकर आ के तुझे इंग्लिश फैक्ट्री स्टेब्लिश करनी है सूरत में इसकी परमिशन लेकर आ इसी की परमिशन लेने के लिए वो आया था किसके कोर्ट में जहांगीर के कोर्ट में ठीक है सो याद रहेगा पहली चीज क्या याद रखनी है फर्स्ट इंग्लिश मैन जो कि किसी मुगल कोर्ट में आए थे वो थे कैप्टन विलियम हॉकिन्स सोलह में आए थे ठीक है किसने भेजा था मतलब उनको इंग्लिश खान की टाइटल दी गई थी जहांगीर ने ठीक है उनको भेजा किसने था ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था क्यों भेजा था फॉर्मल परमिशन लेनी थी कि इंग्लिश फैक्ट्री इस्टैब्लिश करनी है सूरत में ठीक है सो so, इतनी चीजें आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखना उसके बाद दूसरे जो पर्सन आए थे जहांगीर के कोर्ट में वो थे सर थॉमस रो ये कब आए थे 1615 में ठीक है हॉकिंस कब आए थे 1609 में ठीक है अब आप लोग मुझे बताइए जॉब चर्नोक के बारे में ठीक है जॉब चर्नोक ने एक सिटी जो है उसे स्टेब्लिश करा था उसका नाम आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में ओके okay? मतलब ही इज फाउंडर ही इज नोन एज फाउंडर ऑफ एक जगह उस जगह का नाम बताइएगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव हु अमंग द फॉलोइंग इज द एनवॉय ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स वन दैट वॉज सेम ठीक है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश राजा जेम्स वन के दूत था जिन्हें भारत भेजा गया था तो अभी हम देखें विलियम हॉकिंस जो है उन्हें भेजा गया था तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका ऑप्शन नंबर वन ठीक है, है? के नाम का अर्थ क्या राइट right? तो जो किंग है उसे शाहजहां कहा जाता है राइट right? तो शाहजहां के नाम का मतलब है किंग ऑफ दर्ल्ड दैट इज ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवन मुगल एम्प्रर जहांगीर गेव द टाइटल इंग्लिश खान टू ठीक है मुगल बादशाह जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी अभी मैंने बताया किसको दी थी विलियम हॉकिंस को ठीक है कब आए थे विलियम हॉकिंस तो विलियम हॉकिंस आए थे 1609 में जहांगीर के कोर्ट में आए थे फॉर्मल परमिशन लेने आए थे एंड फॉर्मल परमिशन उनको मिल भी गई थी सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की ठीक है सो किसने दी थी जहांगीर ने इंग्लिश खान टाइटल विलियम हॉकिंस को दिया था ठीक है क्यों दिया था भैया बहुत इंप्रेस हो गया था टर्किश लैंग्वेज में बात करा था उनसे तो जहांगीर हो गए इंप्रेस और दे दिया उन्होंने उनको इंग्लिश खान टाइटल उसके अलावा 400 सौ मनसब भी उनको दिए थे ठीक है ये चीज़ भी आप लोग याद रखना अब इसमें ना ये हैंनरी द नेविगेटर कौन है ये बताइए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पॉर्चुगल थे ठीक है और काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे कि मतलब इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं लोग सी रूट जो है उसकी खोज करने लगे थे ठीक है बिकॉज उनको साइंटिफिक चीज़ों में और अलग अलग चीज़ों का इन्वेंशन करने में नए नए सी रूट्स की खोज करना बहुत पसंद था ठीक है इसलिए इन्हें हैंनरी द नेविगेटर कहा जाता था और इन्होंने ही वास्को डी गाम और इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करा था नए नए रूट्स ढूंढने के लिए ठीक है ये थे हैंनरी द नेविगेटर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े दैट इज क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट से सर थॉमस रो केम टू इंडिया एज ब्रिटिश एम्बेसडर ड्यूरिंग रीन ऑफ ठीक है सर थॉमस रो किसके शासनकाल में ब्रिटिश राजदूत के रूप में भारत आए थे तो ईयर तो मैं बता दी कि 1615 में आए थे और ये आप जान ही गए कि ये जहांगीर के टाइम पर आए थे भारत ठीक है so, सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी दैट इज जहांगीर नेक्स्ट क्वेश्चन विच थ्रोन वॉज बिल्ट बाय शाहजहां ठीक है शाहजहां ने किस सिंहासन का निर्माण करवाया था ठीक है तो वो है पिकॉक थ्रोन शाहजहां ने पिकॉक थ्रोन बनवाया था ये इमेज अगर आप लोगों को क्लियरली दिख रही है तो ये वो पिकॉक थ्रोन है जो कि शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था राइट right? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पिकॉक थ्रोन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्शियन ठीक है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी ठीक है तो वो थे जहांगीर जहांगीर ने उनकी ऑटोबायोग्राफी दैट इज़ तुजुक ए जहांगीरी इसे पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था राइट तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट तो जहांगीर एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑथर थे और क्रिटिक थे उन्होंने उनकी ऑटोबायोग्राफी को पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था विच वॉज़ नेम्ड तुजुक ए जहांगीरी ठीक है ही हैज़ रिकॉर्डेड हिज मेरिट्स एंड डी मेरिट्स इन हिज ऑटोबायोग्राफी ऑब्वियसली हर इंसान अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो भी उनकी सफलता है असफलता है जो भी रही है उनके उतार चढ़ाव उन सभी चीज़ों को लिखते हैं राइट तो इन्होंने भी लिखी थी बस आपको क्या याद रखना है तुजुक ए जहांगीरी ऑटोबायोग्राफी है किसकी जहांगीर की विच वॉज रिटर्न इन पर्शियन लैंग्वेज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन विच फेमस मॉस्क्यू वॉज बिल्ट बाय शाहजहां ठीक है शाहजहां ने किस प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण करवाया था तो इसका करेक्ट आंसर है जामा मस्जिद ठीक है शाहजहां ने जामा मस्जिद जो है इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था आप लोग मुझे बताइए जामा मस्जिद कहाँ पर लोकेटेड है ठीक है इसके अलावा आ गया है हमारा डिस्काउंट कोड दैट इज एस एस सी टेन ठीक है ये डिस्काउंट कोड जो है ये एस एस सी जनरल अवेयरनेस जियोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटीन सभी जो है कोर्सेज जो कि आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे सभी पर एप्लीकेबल है ठीक है तो डिस्काउंट कोड याद रखिएगा दैट इज एस एस सी टेन ओके सो मेक श्योर टू विजिट परचम एप्लीकेशन सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसमें पूछा गया है द रियल नेम ऑफ मुमताज महल वॉस ठीक है मुमताज महल का असली नाम क्या था तो मुमताज महल का रियल नेम था अर्जुमन बानू बेगम ठीक है अर्जुमन बानू बेगम ये क्या था रियल नाम था मुमताज महल का तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है सो ये किसकी डॉटर थी तो ये आसफ़ खान की डॉटर थी इनकी शादी प्रिंस खुर्रम से करवाई गई थी ठीक है शाहजहां का जो रियल नेम था वो था खुर्रम राइट तो ये किसके तो शाहजहां सफगी को पता है कि एम्प्रर जहांगीर के बेटे थे राइट एंड लेटर ऑन जो है उनका नाम जो है पहले उनका नाम था खुर्रम बाद में वो शाहजहां के नाम से फेमस हुए सिमिलरली मुमताज़ महल का पहले नाम था अर्जुमन बानो बेगम बाद में वो मुमताज़ महल के नाम से जानी गई है ठीक है सो इस क्वेश्चन को भी याद रखना नाउ हु द पोर्ट लॉरियट ऑफ ठीक है शाहजहां के शासनकाल का कवि पुरस्कार विजेता कौन था राइट right? तो वो थे पोएट कलीम राइट पोएट कलीम जो थे वो कवि पुरस्कार विजेता थे शाहजहां के शासनकाल काल के राइट तो ये वाला क्वेश्चन भी याद रखना तो वो शाहजहां के कोर्ट मेंबर बने थे 1628 में और उन्हें मलिक अल्सो आरा जो है ये टाइटल दिया गया था ठीक है क्या टाइटल दिया गया था उनको मलिक अल्सो आरा राइट

तो अभी हमने देखा कि उन्होंने जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करा था जामा मस्जिद कहाँ पे बनवाया है दिल्ली में ठीक है और ये दीवाने खास कहाँ पर है तो ये है फतेहपुर सिकरी में तो ये दोनों का ही कंस्ट्रक्शन किसके टाइम पर हुआ है तो ये शाहजहाँ के टाइम पर हुआ है राइट इसके अलावा दूसरी चीजें याद रखना तो दीवान आम का भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया है शीश महल मोती मस्जिद खास महल ताज महल रेड फोर्ट इन सभी का कंस्ट्रक्शन शाहजहाँ के टाइम पर ही हुआ है ठीक है तो ये सारे नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इसमें पूछा है बदुषा नामा ठीक है बदुषा नामा इज रिटन बाय बदुषा नामा किसके द्वारा लिखा गया है राइट right? सो so ये शाहजहाँ के कोर्ट हिस्टोरियन थे जिनका नाम है अब्दुल हामिद लोहरी ठीक है इन्होंने बदुषा नामा लिखी है राइट right? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ शाहबाल बाई शाहजहां निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी तो शाहजहां ने यह टाइटल दिया था दारा शिको को ठीक है दारा शिको शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे शाहजहां और उन्हीं को उन्होंने ये टाइटल दिया था ठीक है इन्होंने बहुत सारी उपनिषद जो है उसे पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा था लाइक अराउंड फिफ्टी टू उपनिषद्स को इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा था और उसकी पूरी एक बुक बनाई थी जिसे सर अकबर कहा जाता है ठीक है इस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे ठीक है हिंदी लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था और यही एक रीज़न था जिस कारण से शाहजहां ने इनको शाह बुलंद इकबाल जो है इसका टाइटल भी दिया था शाहजहाँ के चार बेटे थे जिसमें से शाहजहाँ उनका जो एल्ड सन है दारा शिको को ही आगे थ्रोन पर देखना चाहते थे बट अल्टीमेटली बहुत सारे बैटल्स हुए दारा शिको औरंगजेब शाह इन सभी के बीच में एंड फाइनली औरंगजेब जो हैं उन्होंने सारे बैटल्स जीते थे इनफैक्ट उन्होंने उनके फादर दैट इज शाहजहां को भी काफी समय तक जो है जेल में कैद करके रखा था ताकि वो इंटरफेयर ना करें इन मैटर्स में राइट right? तो इसके पीछे अपनी ही एक अलग स्टोरी है बाकी इस क्वेश्चन का याद रखना शाहजहां ने दारा शिक्खो को कौन सा टाइटल दिया था तो शाह बुलंद इकबाल ओके okay?

फ़ारसी दरबार प्रथा को समाप्त कर दिया था तो हम सभी जानते हैं कि दो प्रथा जो है बलबन ने शुरू करी थी एक थी सजदा और दूसरा था पेबोस ठीक है पैबोस, जिसमें सर झुकाना होता है फीट जो है उसको किस करना रहता है ये प्रथा जो है बलबन ने शुरू करी थी ठीक है एक पर्शियन कोर्ट कस्टम आप कह सकते हैं इस सिस्टम को किसने अबोलिश कर दिया था ठीक है तो इसको अबोलिश करने वाले जो रूलर थे वो थे शाहजहां राइट शाहजहां ने सजदा कस्टम जो है कोर्ट कस्टम था उसे क्या कर दिया था अबॉलिश कर दिया था इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए बनता है बलबन ने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी थी ठीक है जैसे कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी सजद पेबोस जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था उन्होंने एक फेस्टिवल भी इंट्रोड्यूस करा था ठीक है ये फेस्टिवल कौन सा था जो कि बलबन ने स्टार्ट करा था बिकॉज हम लोग ऑलरेडी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं तो वो फेस्टिवल कौन सा था आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में राइट Which festival was introduced by Balban? Next question that is question number 18 The famous diamond Kohinoor was presented to Shah Jahan by theek hai ek famous jo uh, Kohinoor diamond है ठीक है present हीरा है Kohinoor Shah Jahan को किसके द्वारा भेंट किया गया था right तो so, इसका correct answer है option C मीर जुमला राइट मीर जुमला ने जो कि गोलकोंडा के सुल्तान के मिनिस्टर थे उन्होंने इस डायमंड को किसको दिया था शाहजहां को सो so, देखो बेसिकली अगर आप इसकी टाइमलाइन में जाओगे ना कोहिनूर हीरे की तो आपकी ये टाइमलाइन में ना बहुत सारी अलग अलग आपको चीजें देखने को मिलेंगी जैसे कि अभी यहाँ पर क्या कहा गया है कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा वॉज प्रजेंटेड बाय मीर जुमला जो कि कौन थे जो बोलकोंडा के सुल्तान थे उनके मिनिस्टर थे कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि कृष्णा रिवर जो है राइट उसके उधर एक माइन थी दैट इज कोलर माइन राइट वहाँ कोलर माइन से मुगल एम्पर्स को ये हीरा मिला था राइट तो अलग अलग स्पेशली जब मुगल एम्पायर को की बात आती ना कि इन लोगों को कोहिनूर ही हीरा कैसे मिला उसमें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी सो कंफ्यूज मत हो जाना ठीक है बट ये बहुत सी बुक्स में दिया गया है कि शाहजहाँ को ये जो डायमंड है कोहिनूर दैट वाज प्रेजेंटेड बाय मीर जुमला ओके सो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी तो कोहिनूर डायमंड वन ऑफ द फेमस डायमंड इन द वर्ल्ड इट वाज डिस्कवर्ड इन द माइंस ऑफ गोलकोंडा मीर जुमला जो कि मिनिस्टर थे गोलकोंडा के सुल्तान के उन्होंने प्रेजेंट करा था ये शाहजहां को ठीक है इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी हिंदू स्क्रिप्चर्स वॉज ठीक है हिंदू धर्म धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले पहले मुसलमान कौन थे अभी मैंने बताया उपनिषद्स को इन्होंने बहुत सारे उपनिषद्स को ट्रांसलेट करा था पर्शियन लैंग्वेज में कौन थे दारा शिको ठीक है इसके अलावा इन्होंने भगवद गीता को भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा था बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स जो है इन्होंने पढ़े थे ठीक है सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या दारा शिको नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वॉट इज द फुल नेम ऑफ औरंगजेब ठीक है औरंगजेब जो है उनका पूरा नाम क्या है यहाँ पर यह पूछा गया है तो उनका पूरा नाम है मोइन उद्दीन मोहम्मद औरंगजेब ठीक है दैट इज ऑप्शन नंबर ए तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का क्या करेक्ट आंसर हो गया मोइन उद्दीन और मोहम्मद औरंगजेब ये औरंगजेब का पूरा नाम था ठीक है अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं एक्चुअली इनकी बैटल्स जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी है तो एक बार आप उसे भी देख लेना तो शाहजहाँ के चार बेटे थे एक बेटी थी दारा शिको एल्डिसन थे उसके अलावा शाह शाहसुजा थे औरंगजेब थे अन मुराद ठीक है ये सब शाहजहाँ के चार बेटे थे उसके अलावा उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था जहानारा ठीक है शी इज़ नोन एज़ फर्स्ट लेडी ठीक है ये नाम जो है फर्स्ट लेडी टाइटल औरंगजेब ने दिया था किसको जहानारा को राइट right? बिकॉज जब औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके रखा था ठीक है जब शाहजहां में थे तो उनकी पूरी देखभाल जो है किसने करी थी, उनकी बेटी ने करी थी ठीक है किसने जहा नारा ने राइट right? अब यहाँ पर कुछ बैटल्स हैं, जो कि औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच में हुआ था ठीक है जैसे कि बहादुरगढ़ की लड़ाई जो कि 1658 में हुई थी ठीक है इसमें औरंगजेब ने किसको डिफीट कर दिया था तो शाह शुजा जो है उसको इस बैटल में डिफ़ीट कर दिया गया था ठीक है उसके अलावा ना एक ये सामूगढ़ का बैटल इंपॉर्टेंट है ठीक है बिकॉज दारा और औरंगजेब बिकॉज शाहजहां स्टार्टिंग से दारा शिको को ही सपोर्ट करा था राइट तो इसलिए दारा शिको औरंगजेब औरंग की बैटल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है राइट सो सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी 1648 में 1648 में जिसमें दारा शिक्को जो है की पराजय हो गई थी एंड औरंगजेब जो है वो जीत गए थे राइट right? इसके अलावा ये वाला लास्ट वाला बैटल याद रखना दैट इज़ देवराय का बैटल देवराय का बैटल क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज फाइनली यहाँ पर दारा शिकों को हरा कर औरंगजेब जो है वो थ्रोन पे बैठे थे और उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था ठीक है बात कब की है मार्च सिक्सटीन की ठीक है दारा जो है कि पराजय और औरंगजेब इसमें विजय हो गए थे एंड फाइनली यहाँ से औरंगजेब ने थ्रोन पे बैठ गए थे एंड रूल करना शुरू कर दिया था राइट right? तो कौन सा बैटल था तो वो था बैटल ऑफ देवराय जो कि 1659 में हुआ था इट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू मुगल एम्प्रर औरंगजेब ठीक है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मुगल एम्प्रर औरंगजेब से रिलेटेड है पहली चीज फर्स्ट स्टेटमेंट रिप्लेसड मेनी हिंदू टेम्पल्स विद मॉस्क्यूज देखिए ये सही है राइट right? उन्होंने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स जो है उसको रिप्लेस कर दिया था और उसकी जगह मॉस्क्यो बिल्ड करा था ठीक है बाद में तो वो बिल्कुल हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने लगे थे राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही होता तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दूसरे देखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है कई हिंदू मंदिरों को मस्जिदों में उन्होंने बदला था तो ये सही है राइट तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का करेक्ट आंसर रिप्लेस मैनी हिंदू टेम्पल्स विद मॉस्क्यूज सो मुगल एम्प्रर औरंगजेब रिप्लेस मैनी हिंदू टेम्पल्स विद मॉस्क्यूज जो ओरिजिनल काशी विश्वनाथ टेम्पल है दैट वॉज ऑल्सो डिमोलिश बाय औरंगजेब ठीक है जो कि सिक्स मुगल एम्प्रर थे कंस्ट्रक्टेड ज्ञान व्यापी मॉस्क्यू और इसके टॉप पर उन्होंने मतलब जो काशी विश्वनाथ टेम्पल था उससे डिमोलिश करके उन्होंने ज्ञान मॉस्क्यू जो है उसके ऊपर बिल्ड करा था राइट तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आप लोग याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब ठीक है औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी तो वो थे तेग बहादुर ठीक है एक्चुअली इन्होंने तेग बहादुर को उनके कोर्ट बुलाया था और यहाँ पर राइट right? वो चाहते थे कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए तो गुरु तेग बहादुर ऑब्वियसली रिफ्यूज राइट कि वो अपने धर्म को परिवर्तन नहीं करेंगे वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं करेंगे उनके फेथ को अबेंडेन नहीं करेंगे इस कारण से औरंगजेब एग्जीक्यूटेड गुरु तेग बहादुर राइट right? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है अपने शासनकाल के अंतिम ट्वेंटी फाइव ईयर्स पच्चीस वर्षों के दौरान औरंगजेब मुख्य रूप से किसके खिलाफ लंबे समय से युद्ध में मतलब किसके साथ जुड़े हुए थे तो ये है मराठास के साथ ठीक है उनका जो लास्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स था ना रीन का ही वॉज कंटिनली इन्वॉल्व या कंटिन्यूसली वो क्लासेज में थे मराठास के साथ ठीक है so, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग औरंगजेब ठीक है इसमें से कौन से स्टेटमेंट या औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है राइट right? तो देखिए पहली चीज़ याद रखना उन्हें कोर्ट में सिंगिंग और डांसिंग इन चीज़ों से परहेज था राइट सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है जो कि कह रहा है फोबेट सिंगिंग एट कोर्ट कोर्ट में गाने से मना किया था ये स्टेटमेंट क्या है सही है तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया सही हो गया तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी हट जाना चाहिए बिकॉज इसमें सेकेंड स्टेटमेंट नहीं लिखा है ठीक है उसके अलावा ये चीज़ भी याद रखना कि वो वीणा बहुत अच्छी बजाते थे ठीक है वीणा में बहुत वो बहुत कुशल थे उसके बावजूद भी उनको सिंगिंग और डांसिंग ये सारी चीज़ें कोर्ट में पसंद नहीं थी ठीक है तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट थ्री है द प्रोफिशेंट प्लेयर ऑफ वीणा ये सही हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर स्टेटमेंट थ्री भी क्या है सही है अब ऑप्शन बी में भी स्टेटमेंट थ्री नहीं दिख रहा तो ऑप्शन बी हट जाता है बिकॉज स्टेटमेंट थ्री सही है ठीक है स्टेटमेंट फोर की अगर हम बात करें तो हिज टोम इज एट तुगलकाबाद ठीक है तुगलकाबाद में उनका मकबरा है तो क्या ये स्टेटमेंट सही है तुगलकाबाद में नहीं है औरंगाबाद में उनका मकबरा है उनका टोम जो है कहाँ पर है औरंगाबाद में सिचुएटेड है तो ऑप्शन फोर क्या हो गया गलत हो गया ठीक है ऑप्शन फोर क्या हो गया गलत हो गया तो मतलब ऑल ऑफ द अबव तो करेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी हट जाना चाहिए तो क्या हो गया ऑप्शन ए हो गया बचा ऑप्शन ए e, तो करेक्ट क्या हो गया ऑप्शन ए दैट इज वन टू एंड थ्री तो टू एंड थ्री हम समझ गए फोबेट सिंगिंग एट कोर्ट ठीक है प्रोफेशन प्लेयर ऑफ वीना एंड उन्होंने भांग की कल्टिवेशन जो है उसे भी क्या करवा रखा था मना करवा रखा था राइट right? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज वन टू एंड थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स बैन एंड ग्रेविंग कलमा ऑन कॉइंस ठीक है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सिक्कों पर कलमा की नक्काशी पर प्रतिबंधन लगा रखा था राइट right? इसका करेक्ट आंसर है औरंगजेब राइट right? औरंगजेब ने ही कलमा को कॉइन्स में इनग्रेव करवाना बंद करवा दिया था या बैन करवा दिया था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड ठीक है यहाँ पर आपको करेक्ट पेयर चूज़ करना है मतलब यहाँ पर ऑफिशियल्स के नाम दे रखें और वो ऑफिशियल्स क्या क्या काम करते हैं उसे मैच करना है सो right? so, देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बार बार बता चुकी हूं वजीर जो है उसका अक्सर काम जो है रेवेन्यू से रिलेटेड होता है ठीक है so, सो वजीर और रेवेन्यू सही है तो फर्स्ट क्या हो गया पहला जो पैर है वो करेक्ट है ठीक है मीर बख्शी जो है वो मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड थे मीर बख्शी सैन्य विभाग के प्रमुख थे सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है सही है मीर समन मीर समन जो है वो इम्पीरियल हाउस होल्ड के इंचार्ज थे ठीक है शाही घरों के प्रभारी थे मीर समन ठीक है थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है सही है और जो बरीद है वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को कहा जाता था तो बरीद भी क्या हो गया सही हो गया ठीक है तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ऑल ऑफ दी अबव ऊपर जितने भी पेयर्स हैं ठीक है ठीके? वो सभी क्या है करेक्टली मैच्ड है तो यहाँ से आप लोग ने क्या क्या सीख लिया दीवान अला दीवाने आला या फिर वजीर जो है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड थे किसके टाइम पर मुगल पीरियड में मीर बख्शी कौन थे मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड थे मीर समन कौन थे तो ये इंपीरियर हाउस होल्ड के इंचार्ज थे और बरीद कौन है तो ये खुफिया अधिकारी हुआ करते थे किसके टाइम पर मुगल पीरियड के टाइम पर तो यहां पर आपको ये चार चीज़ें सीखने को मिल रही ठीक है तो याद रखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच मुगल रूलर इज नोन एज जिंदा पीर ठीक है किस मुग़ल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है जिंदा पीर मतलब लिविंग सेन ठीक है ये किसको कहा गया है तो ये औरंगजेब को कहा गया है रीज़न क्या है उनको जिंदा पीर क्यों कहा गया है तो उसका रीज़न ये है कि बहुत सिंपली जीना पसंद करते थे सिंपल लिविंग उनको पसंद थी बट सोच जो है उनकी बहुत ज़्यादा हाई थी ठीक है जिस तरीके से एक सेंट होता है ना उसी तरीके से इनको कंपेयर किया गया था राइट तो जिंदा पीर किसको कहा गया है औरंगजेब को इसके अलावा इनको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है मीन्स ऑफ द वर्ल्ड जो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहते हैं राइट तो दो नाम या दो टाइटल्स आपको याद रखने हैं औरंगजेब से रिलेटेड पहली चीज एक तो ही वॉज नोन एज जिंदा पीर राइट जिसका मतलब होता है लिविंग सेंट और दूसरा ही वॉज ऑल्सो नोन एज आलमगीर ठीक है विच मीन्स ऑफ द वर्ल्ड क्लियर तो ये दोनों चीजें औरंगजेब के बारे में याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट बीबी का मकबरा जो कि ताजमहल का एक रेप्लिका था औरंगाबाद में

इन मनसबदारी सिस्टम ठीक है औरंगजेब ने मनसबदारी सिस्टम में एक एडिशनल रैंक क्रिएट करी थी वो रैंक का क्या नाम है ये पूछा गया प्लस ठीक है उन्होंने एक डिडक्शन भी ऐड करा था टूवर्ड्स मीटिंग द कॉस्ट फॉर फीड ऑफ एनिमल्स ठीक है जानवरों को जो चारा वाला चारा खिलवाते उसकी लागत को भी पूरा करने के लिए उन्होंने एक डिडक्शन भी ऐड करा था यहाँ पर ये पूछा गया थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट एक बार लेक्चर में देख लोगे तो हो सकता है कि आप लोगों को याद रह जाए राइट सो so, पहली चीज़ उन्होंने जो एडिशनल रैंक क्रिएट करी थी वो थी मशरूत राइट right? जो मंसबदारी सिस्टम था जो रैंकिंग करने का सिस्टम था उसमें उन्होंने एक नई रैंक इंट्रोड्यूस करी थी दैट वाज मशरूत ठीक है इसके अलावा उन्होंने एक डिडक्शन भी ऐड करा था ठीक है जिसको कहा जाता था खुराक ए दवाब ठीक है खुराक ए दवाब ठीक है जानवरों के चारे की लागत को पूरा करने के लिए उन्होंने खुराक ए दवाब नामक एक कटौती भी क्या करी थी जोड़ी थी राइट तो इतना आप लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन से याद रखने की कोशिश करना नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी यहाँ पे ना अलग अलग जागीर बताए गए, ठीक है थीके? जो कि औरंगजेब के टाइम पर थे यहाँ पे वो जागीर और उनसे क्या मतलब निकलता है उसको मैच करना है राइट तो पहला है मैच द तो फॉलोइंग है इन शॉर्ट क्वेश्चन पहला है तंखा जागीर ठीक है तंखा से मतलब समझते हो ना अपन सैलरी को तंखा कहते हैं ना तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ गया कि तंखा कहीं ना कहीं सैलरी से रिलेटेड है तो सैलरी वर्ड ढूंढ लो ओके एक तो यहाँ पर दिख रही है और तो कहीं नहीं है तो क्या हो गया तंखा इट वॉज गिवन इन इन ल्यू ऑफ सैलरी एंड वो ट्रांसफरेबल एवरी थ्री टू फोर ईयर्स मतलब सैलरी के बदले में तंखा जागीर जो है दी जाती थी जिसे आप तीन से चार साल के बाद क्या कर सकते ट्रांसफर भी कर सकते थे तो ये हो गया हमारा तंखा जागीर ठीक है उसके अलावा मशरूत जागीर ठीक है मशरूत जागीर जो है ये सर्टेन कंडीशंस पे दी जाती थी ठीक है तो ये मशरूत के बारे में याद रखना इट वॉज़ गिवेन ऑन सर्टेन एन कंडीशंस अब याद रख तब हम वतन जागीर ले लें ठीक है वतन मतलब अपने वतन से कनेक्ट करके देख लो हमारा देश हमारा वतन ठीक है हमारी जो पर्टिकुलर लोकल चीज़ है हमारी जो है ठीक है तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ये राइट right? वतन जागीर जो है ये उन ज़मींदार्स को असाइन किया जाता था जिनके लोकल डोमिनियंस में बेसिकली जो जागीर होता था उनको दिया जाता था किसको ज़मींदारों को इट वॉज़ हेरिडिटरी एंड नॉन ट्रांसफरेबल ठीक है अब बचा अल्तमगा जागीर ठीक है अल्तमता जागीर क्या है इट वॉज गिवन टू मुस्लिम नोबल्स इन देर फैमिली टाउन्स और प्लेस ऑफ बर्थ ठीक है मुस्लिम नोबल्स को दिया जाता था अल्तमगा जागीर ठीक है जो उनकी ही फैमिली टाउन या उनका जो प्लेस ऑफ बर्थ वाला एरिया होता था तो वहाँ पर राइट तो ये टाइप्स ऑफ जागीर भी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर आपको टेबुलर फॉर्म में मिल गया तो एक बार आप लोग इसे पढ़ लेना अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन ऑफ़ द डे जो कि सबसे इजी क्वेश्चन आई गेस इस पूरी सीरीज़ का वो ये है कि औरंगजेब डाइड इन ठीक है औरंगजेब की मृत्यु किस साल में हुई थी क्लियर सो मेक श्योर इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ओके okay? सो so आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही ठीक है थैंक यू सो मच